और शालिन का जिस तरीके से रिलेशन दिख रहा है, कहीं ना कहीं सुबुल को भी बहुत बार बिग बॉस से, आज वाले सलमान सर से भी बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन फिर भी क्या लगता है, सुबुल अपना गेम खेल रही है या फिर वो मुझे ऐसा पागल लगता है है? कि सुंबुल बच्ची नहीं है, जितना बोला जाता है वो बच्ची नहीं है। ऑफ कोर्स उनका एक टीनेज क्रश होता है, मे बी हुआ होगा वो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई थिंक आप एक वो कहीं ना कहीं, बिकॉज आई हैव सीन हर बिफोर ऑल्सो, तो मैं जानता हूँ कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, बट वो अपनी गेम नहीं बाहर लेके आ रही थी, या वो बहुत चुप थी, या वो एक शेडो की तरह सिर्फ शालीन के पीछे घूम रही थी। मैंने उनको फर्स्ट वीक से ये बात समझाई थी, उनके फादर ने भी उन्हें समझाई, अगर उसके बावजूद भी वो नहीं समझ रही, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर लोग कह रहे हैं कि शालीन की गलती है, तो गलती सुम्बुल की भी उतनी है, क्योंकि शी इज़ 19 एंड शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स। वो 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, और उन्होंने भी बहुत दुनिया देखी है, बहुत लोग देखे हैं, तो आई थिंक मे बी शायद ही उनकी गेम होगी, जो कि अब लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वो शहनाज गिल की तरह गेम खेल रही हैं, और लोग बहुत चीज़ें बोल रहे हैं। बट आई थिंक अगर वो ऐसा नहीं कर रही, तो वो बहुत डम है, और अगर वो ऐसा कर रही हैं तो वो बहुत स्मार्ट है, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है। आप जो भी करेंगी, जैसा भी करेंगी, वो पोट्री आई थिंक बाहर आके उनको चीज़ें और रियलाइज़ होंगी। बट उनके फादर को जो बार बार बुलाया जा रहा है बीच में, और जो चीज़ें बोली जा रही हैं, मैंने भी वो फ़ोन कॉल सुना, मुझे भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि आप अपनी बेटी को समझाने के लिए आप किसी और के बेटे और बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो ऑन अ नेशनल टीवी, विच वॉज़न करेक्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। एक समझाना और दूसरे को नीचे गिराने में बहुत फ़र्क होता है। आई थिंक जो उनके फादर ने कल किया, मुझे वो नहीं अच्छा लगा कहीं ना कहीं, रिगार्डलेस जैसे मर्जी हो टीना शालिनी, यार एट द एंड ऑफ द डे आपकी बेटी बच्ची नहीं है, और वो भी चीज़ें समझती है, इंडस्ट्री समझती है, उसको भी पता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है और बाकी सबकी गलती है। तो आई थिंक दैट वॉज अ रॉन्ग रॉन्ग टेक फ्रॉम हर फादर साइड। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे सीन्स जो बिग बॉस के अंदर हुए, वो बिग बॉस के घर में और वो नहीं दिखाया गया, कहीं ना कहीं आप उससे डिसअपॉइंटेड? मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि क्या बार दिखाया गया है। एक चीज़ जो मुझे सुनने में आई है, कि मैंने बोला था इंटरव्यूज में कि जब स्टैन और इसका झगड़ा हुआ शालीन का, तो जब शिव ने उसका मुंह पकड़ा था, उसके बाद शालीन को दरवाजे के पास लेके गए थे, तो शिव उसकी तरफ बार चेयर लेके आया था, जो बड़ी वाली चेयर थी, वो उसकी तरफ चार्ज करने के लिए गया था, वो डराने के लिए लेके गया था वो, तो वो चीज़ नहीं दिखाई गई। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो नहीं दिखाई गई, क्योंकि मेरे सामने वो इंसिडेंट हुआ था, और मुझे पता है वो लेके गया था, और मैंने शिव से पूछा भी था कि शिव मुझे पता है कि तू इतना सेंसिबल है कि तू नहीं मारेगा जाके शालीन को, बट तू चेयर क्यों लेके गया, तू तू गाली दे रहा था उसको, यू आर सेइंग बैड स्टफ, और तू चेयर लेके उसको डरा रहा था, तो उसने मुझे बोला कि मैं सिर्फ डरा रहा था यार, तो ये चीज़ नहीं आई थिंक दिखाई गई। तो इसके ऊपर बहुत थोड़ा सा आई थिंक कुछ हल्ला मचा वो वीडियो को लेके, बट वो चीज़ हुई थी अंदर, और वो प्रॉपर वो गया था किचन से लेके वहाँ तक, उसके ऊपर चेयर ऐसा लेके गया था वो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक बहुत चीज़ें मेरे और सौंदर्या के बीच में बातें हुई हैं जो नहीं दिखाई गई, आई थिंक मेरे को जितना सुनने में आया है। बाकी और क्या था, और आई डोंट नो और क्या नहीं दिखाया गया, बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी लॉट ऑफ थिंग्स जो नहीं दिखाई गई। वो मैंने अभी एपिसोड्स देखे नहीं, तो मुझे पता नहीं कि क्या दिखाया गया क्या नहीं दिखाया गया। सो मुझे जितना सुनने में आया, सो दीज वर द थिंग्स। यार